नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कनेक्शन हस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो भाई मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ भाई, समय की पाबंदी की वजह से। तो आज मैं भाई इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के विषय में बात करने जा रहा हूँ, जो कि तरह तरह के आते हैं, आप देख ही रहे हैं ये कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं भाई, ये मैं आपको बताऊंगा और इनमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसके विषय में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसमें जो भाई कुछ लोगों का मानना है कि इसमें नॉइज़ कैसे आती है, नॉइज़ कैसे हटाएं, या फिर इनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें लगाने से ये ब्लूटूथ बोर्ड बहुत ही अच्छी साउंड देगा, इस विषय में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं भाई ऐसी ही वीडियो आपके पास लाता रहूं। और भाई अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो भाई मेरा वीडियो बनाने का जो हौसला है वो बढ़ जाता है भाई, सच यही है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भाई ना तो मेरा वीडियो बनाने का मन होता है और ना ही मैं कोई काम करने का मन होता है कि मैं अपने चैनल पर कुछ वीडियो डालूं। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि भाई मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाऊंगा और मैं भाई किसी के अलग कंटेंट को देख करके ये सब नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में भाई काम कर चुका हूँ कुछ दिन, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं भी भाई लोगों को देखा कि जिनको कुछ नहीं पता है वो लोग इन सब टॉपिक के ऊपर वीडियो डालते हैं, दूसरे का कंटेंट देख देख करके, दूसरे के वीडियो देख देख करके। बट मैं इस चीज़ के ऊपर काम भी कर चुका हूँ और इसके विषय में भाई मैं जानता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको इस चीज़ से कुछ न कुछ जानकारी दूँ, क्योंकि भाई मैं रटा रटा कोई ज्ञान तो मैं दूंगा नहीं। तो बिना किसी देरी के भाई चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं मेरा हौसला बढ़ा रहा है और मैं आपको वीडियो फटाफट ऐसे ही नॉलेजफुल देता रहूं, जिससे कि आपको छोटी छोटी चीज़ें मार्केट में या किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर ना जानी पड़े, और ये प्रोडक्ट और ये सब चीज़ें कैसे कितनी आसानी से कितने रुपये तक आते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह है एक ब्लूटूथ मॉड्यूल बोर्ड और ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और इसकी आपको हम ज़रूरत बताएं तो आप इस बोर्ड को आप देखेगा ब्लूटूथ भाई आपके मोबाइल से ले करके हर जगह पर, चाहे वो छोटे साउंड बॉक्स हो जो आपने देखा होगा मोबाइल से बजने वाले होते हैं उनकी बात करें, और चाहे भाई बड़े हमारे जो होम थिएटर हैं आजकल जो आते हैं, या फिर कुछ बड़े बड़े मीडियम साइज के जो एम्पलीफायर भी आते हैं उनमें भी ये ब्लूटूथ का ही सिस्टम होता है और बहुत ही इजी और बहुत ही आसान रहता है। तो जिससे कि किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ये ब्लूटूथ मॉड्यूल बहुत ही उपयोगी रहता है। आप बस ये ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हो और आप अपने मोबाइल से कैसे भी गाने आप इस पर सुन सकते हैं, और देखा जाए तो कोई ख़राब ये ब्लूटूथ नहीं, बहुत ही अच्छी साउंड देता है। बट इसमें थोड़ी सी जो थिकनेस आती है पतली आवाज़ की वो भी हम बताएंगे कि कैसे। तो सबसे पहले इसके विषय में जान लेते हैं भाई। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि भाई ये बोर्ड हमारे इंडिया का नहीं है, बेसिकली ये चाइना से बन के आता है, तो ये इंडियन बोर्ड तो नहीं है और ना ही ये इंडिया में बनता है इस तरह का कोई बोर्ड। तो बाकी बोर्ड बहुत ही अच्छा है और ये लगभग 100 से 120 रुपए के बीच में आ जाता है, और अलग अलग तरह के बोर्ड आते हैं
जैसा कि हम आपको स्क्रीन में दिखा देंगे कि कुछ अलग अलग तरह के बोर्ड आते हैं, बट काम सबका एक ही होता है। कुछ में इको होता है, कुछ में भाई माइक होता है, कुछ में सिर्फ ब्लूटूथ होता है, तो कुछ अलग अलग टाइप के आते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम सबका एक ही है। अब मैं इनकी इनके फंक्शन के बारे में बता दूं, तो भाई आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए USB लिखा है, तो ये भाई USB आप इसमें इस तरह से लगा सकते हैं। और उसके बाद TF कार्ड, जो आपका मेमोरी कार्ड बोला जाता है, आप उसको इसमें लगा सकते हैं, उससे भी बजेगा। और उसके बाद 3.5 mm जैक जो हमारा होता है, आप उससे मोबाइल से कनेक्ट करके इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद इसमें भाई माइक का सिस्टम दिया है, तो माइक का भी कुछ ऐसा ही है, तो माइक का। तो बाकी ये देखिए, ये भी सेम वैसा ही है, इसमें माइक का भाई नहीं दिया गया है, तो ये है। और कुछ इस तरह के मॉड्यूल आते हैं जो हमारे कार ऑडियो के लिए बहुत रहते हैं, अच्छे होते हैं। ये आप USB पोर्ट बना है, आप उसमें इस तरह से आप लगा दीजिए इस तरह से, और अपने मोबाइल से आप कनेक्ट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी आवाज़ आएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इधर पीछे की साइड में, तो पीछे की साइड में भाई यहाँ पर पावर सप्लाई दिया गया है। आप पावर सप्लाई यहाँ पर 3.5 वोल्ट से लेकर के, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह की एक बैटरी आती है, आप इस तरह की बैटरी से भी आप इसको चला सकते हैं, ये ऑन हो जाएगा। लेकिन इस तरह की बैटरी में एक समस्या है कि अगर आप इसमें USB पोर्ट लगाएंगे, तो ये भाई बैटरी USB पोर्ट के लिए अलग से करंट चाहिए या फिर और वोल्टेज चाहिए, तो ये बैटरी भाई काम नहीं करेगी। तो आपको अगर USB पोर्ट इसमें भाई लगाना है इस तरह से, तो आपको कम से कम इसको 5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट से 5 वोल्ट आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी लगभग 2 वोल्ट USB 2 वोल्ट चाहिए USB के लिए, बाकी 3.5 वोल्ट इसको चाहिए। तो कम से कम इसको 4.5 वोल्ट या 5 वोल्ट आप देंगे, तभी आपका बोर्ड प्रॉपर चलता रहेगा, नहीं तो इसमें कभी लाइट आएगी कभी नहीं आएगी, डिस्कनेक्ट की प्रॉब्लम होगी। तो डिस्कनेक्ट की जब भी प्रॉब्लम होती है इस बोर्ड में, तो ये सोच लीजिए प्रॉपर वोल्टेज नहीं पा रहा है जितनी इसको वोल्टेज चाहिए, या फिर इसकी कम वोल्टेज है, इसी वजह से डिस्कनेक्ट का होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कि जैसे कि इसमें आपने देखा होगा माइक का, तो भाई माइक का ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने पॉइंट दिया है, यहाँ पर माइक आप लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप आउटपुट ले भी सकते हैं, यहाँ पर अलग से दिया गया है। और उसके बाद कुछ कनेक्शन ऐसे आप कर सकते हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हैं, ये देखिए इन्होंने कुछ कनेक्टर के थ्रू यहाँ पर निकाला है। अब हम इसके कुछ खास चीज़ों के बारे में बताएं, जो 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 इसमें प्रॉब्लम आती हैं, मैं उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम भाई इनमें आती हैं और क्यों आती हैं, ये मैं साथ में आपके बताता चलूंगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम इसमें आती है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि इसमें नॉइस बहुत आती है, या फिर हमारे बोर्ड में नॉइस आ रही है, या फिर हमिंग बहुत आती है। तो उसका सबसे बड़ा भाई रीज़न है, सबसे पहले रीज़न है कि आपके बोर्ड में नॉइस, या तो फिर आपने सील्ड वायर नहीं लगाया, जो कंपनी ने आपको दे दिया है कुछ इस तरह के वायर जो कि आप देख रहे हैं कि इस तरह के वायर कंपनी आपको देती है भाई, तो आप इस तरह के वायर कंपनी देती है, आप क्या करते हैं डायरेक्ट इस तरह से इसके जैक से ऐसे कनेक्शन कर देते हैं, लगा देते हैं, और इधर आप आउटपुट ले लेते हैं। आप सोचते हैं कि इससे अच्छा आसान कोई तरीका नहीं, तो इस भाई ये वायर आपको नॉइस, सबसे पहली बात ये वायर आपको नॉइस देगा ही देगा। इस बोर्ड की यही खासियत है, क्योंकि आपको इनपुट बहुत ही वो होता है, वो आपके अगर कहीं से भी इनपुट, एक्चुअल में आपने देखा होगा कि आप कभी कभी आप देखे होंगे कहीं पर अगर माइक वाइक का होता है कुछ सिस्टम, तो वहां पर आपने उसकी लीड देखी होगी, उसका वायर देखा होगा, वो 2-3 परतों में होता है, ऊपर से कितनी मोटी लीड रहती है,
और वो भाई सील्ड वायर में होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें नॉइस ना जा सके। इसी वजह से अब कंपनी वाले अपनी कॉस्ट बचाने के लिए इस तरह का वायर दे देते हैं, जिससे कि आप लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है और इसको डायरेक्ट आप अपने बोर्ड से जोड़ देते हैं। और भाई ये नॉइस पकड़ता है और इससे हमिंग और नॉइस दोनों ही आएगी, तो आप ऐसा ना करें, आप इसको हटा दें। और इस तरह का मैंने देखे बनाया है, मैं जो भी ट्रैक या फिर जो भी सॉन्ग प्ले करता हूँ, इस तरह के मैंने देखे ये सील्ड वायर है, कुछ कनेक्टर के थ्रू मैंने ऐसे बना दिया है। ये देखिए आप, दोनों तरफ से कनेक्टर मैंने लगा दिए हैं, जिससे कि बहुत ही आसानी से मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लगा देता हूँ यहाँ पर। और ये देखिए सील्ड वायर है, तो इस तरह से ये नॉइस नहीं आती। और फिर भी अगर आपके बोर्ड में नॉइस आती है तो कुछ मॉडिफाई कर लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, पावर सप्लाई से यहाँ पर डायरेक्ट आया है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है आईसी के बगल में। तो मैंने क्या किया है, एक और कैपेसिटर देखिए, ये देखिए पावर सप्लाई पर यहाँ पर लगा दिया है। ये भाई 16 वोल्ट और 250 UF का है, 250 UF का है, जिससे कि हमारे इस बोर्ड को आपने देखा होगा मैं हमारे वीडियो में कोई भी नॉइस जरा सी भी नहीं आती। तो सबसे पहले आप इसको प्लस से प्लस माइनस से माइनस करके आप इसको दीजिए, और यहाँ पर देखिए मैंने लगाया है, कोई भी नॉइस भाई नहीं आती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी नॉइस नहीं आएगी। और आप मेरी वीडियो को भाई थोड़ा लंबी या बोरिंग समझ करके मत छोड़ दीजिए, अगर आप इसके विषय में जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो एंड तक देखिए, मैं एक एक स्टेप आपको बताता जाऊंगा, जिससे कि आपके इस तरह के ब्लूटूथ में कोई भी नॉइस ना आए। और अगर किसी भी बोर्ड में आती है तो आप इस तरह के कैपेसिटर आप लगा सकते हैं, 10 से 12 वोल्ट या कुछ 6-7 वोल्ट का हो और 250-300 UF का हो आप लगा सकते हैं। तो आप अगर ऐसे लगाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं आएगी, और इस अगर नॉइस आ रही है तो आप इसके ग्राउंड को हटा दीजिए यहाँ से आपके बोर्ड से। अगर आपके बोर्ड में एक ही जगह से एक ही ट्रांसफार्मर से इसमें और आपके जो एम्पलीफायर ऑडियो बोर्ड है उसमें अगर ग्राउंड दिया है तो आप इसके ग्राउंड को आप मत लगाइए, जिससे कि नॉइस बिल्कुल भी या हमिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, जीरो के बराबर कुछ भी नॉइस नहीं आएगी। अब इस तरह का बोर्ड आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर आईसी के बगल में यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा है, तो ये बहुत ही अच्छा बोर्ड होता है। और इस तरह के बोर्ड मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। और भाई मैं इनके सप्लाई के विषय में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि भाई बेसिकली ये मेरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं सप्लाई के विषय में अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग यूट्यूब पर आपने देखा ही होगा कि ना जाने कितने अपने वीडियो में भाई चाहे जितनी वोल्टेज दें आपका ब्लूटूथ बोर्ड ख़राब नहीं होगा, या क्या जीना डायोड या फिर कुछ रेजिस्टेंस मिला करके कैसे बनाते हैं वो सब आपको बताएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सीधा सा आसान तरीका जैसे हम बताएंगे वैसा ही आप लोग करिए, तो जिससे कि आपका बोर्ड कभी नहीं ख़राब होगा। अब हम अपने वीडियो पर आते हैं। तो भाई इस तरह का जो बोर्ड होता है, इस तरह का ब्लूटूथ आप देख रहे हैं, इस तरह का जो ब्लूटूथ होता है वो हमारे कार ऑडियो के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ना इसमें कोई तामझाम नहीं होता है। ये अगर जिसका पुराने टाइप का होम थिएटर है या फिर ओल्ड मॉडल आपका जो एम्पलीफायर है, आपने उसमें USB पोर्ट तो ज़रूर ही होगा, भले ही ब्लूटूथ हो या ना हो USB पोर्ट तो ज़रूर होगा। आप इस तरह का भाई मार्केट से आप खरीद लाइए एक ब्लूटूथ और आप उसको लगा दीजिए, आपका ब्लूटूथ रिसीवर इसी तरह का हो जाएगा। और भाई लेकिन एक चीज़ है, ये ब्लूटूथ बोर्ड इसकी बराबरी नहीं कर सकता,
क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफाई अलग से अच्छी तरीके से किए जाते हैं। और ये भाई ब्लूटूथ SMD बेस होता है, और इसमें कुछ ऐसा, इसमें आपको अगर ब्लूटूथ लाएंगे तो नॉइस भी आ सकती है, हमिंग भी आ सकती है इस वाले ब्लूटूथ में, और कुछ अलग तरह से साउंड भी आ सकती है या फिर अच्छी साउंड ना आए। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है। और आप इसी तरह का ब्लूटूथ बोर्ड खरीदिए, और हम तो यही कहेंगे कि यही वाला आप खरीदिए, और बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है। और आप इस तरह के वायर छोड़ दीजिए, कुछ इस तरह से वायर आप ले लीजिए, आपके ब्लूटूथ बोर्ड में बिल्कुल भी नॉइस हमिंग नहीं आएगी। तो मैंने आपको ब्लूटूथ बोर्ड के बारे में पूरी डिटेल में बता दिया है कि कैसा भाई ये वर्क करेगा और क्या करेगा। अब मैं इसकी छोटी सी एक साउंड टेस्ट आपको करवा देता हूँ कि आप देखिए हमारे बोर्ड में बिल्कुल भी नॉइस नहीं आती है। मैं आपको फटाफट कनेक्शन करके इसका एक डेमो दिखा देता हूँ साउंड टेस्ट का। जैसा कि आप देख रहे हैं कहीं से भी भाई कोई भी नॉइस नहीं है। मैंने आपको चला करके दिखाया, देखिए कोई नॉइस है बिल्कुल भी नहीं। मैं दुनिया भर की बातें नहीं करता हूं, जो आपको दिखाता हूं सामने बिल्कुल दिखाता हूं, कहीं से भी कोई नॉइस नहीं है। देखिए, और मैं फिर से सॉन्ग प्ले करता हूं, ये देखिए, तो कोई भी नॉइस नहीं है। और मैं इसी से वाली, देखिए मैंने वॉल्यूम भी फुल कर दिया है, कहीं से कोई नॉइस नहीं है। तो आप मेरे वीडियो को देख ही चुके हैं, और आपको भाई कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट कीजिए भाई, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और भाई चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाई मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है और बिल्कुल जेन्युइनली प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि हाँ कोई नॉइस नहीं है। आप देख ही रहे हैं बिल्कुल भी कोई नॉइस नहीं है। और जो लोग दिखाते हैं वो भाई मैं नहीं कह सकता उनके विषय में, बट मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बताया है और दिखाया भी है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ धन्यवाद एंड थैंक यू।